मधुबन में BGIC का रिबोलिंग करना है या ड्राई सोल्डर करना है, उसके लिए आपको एक तो फ्लक्स ब्रश, ट्वीजर, एसएम रिवर्कसेशन और BGA मशीन का रिक्वायरमेंट लगता है। अभी BGIC का ट्राई सोल्डर कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। ड्राई सोल्डर करना है, करने के लिए पहले ये फ्लक्स BGIC के चारों ओर लगाना है। फ्लक्स लगाने के बाद हीट एयर फ्लक्स को हमारे जिस तरह से कि जो फ्लक्स BGIC के अंदर चले जाए, गर्म हवा चारों ओर मारे स्लोली स्लोली। बाद में गर्म हवा फ्लक्स पर लगाने के बाद बोर्ड को BGA मशीन पर लगाएं। ये BGA मशीन का बॉटम ब्लोअर है और ये BGA मशीन का टॉप ब्लोअर है। जहाँ BGIC का ड्राई सोल्डर करना है उसे सेंटर में लगाना जरूरी है। मशीन चालू करने के बाद इसका सेंटर पोजीशन चेक कर ले। सेंटर पोजीशन करने के बाद मशीन टॉप लेवल थोड़ा ऊपर कर ले। टॉप और बॉटम लेवल के बीच में वो BGIC होना जरूरी है। सेटिंग हो जाने के बाद ये स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप बटन है, ये टॉप कंट्रोल सेटिंग है, ये बॉटम कंट्रोल सेटिंग है। अभी हम BGA मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये टॉप कंट्रोल का टेम्परेचर बताता है, ये बॉटम कंट्रोल का टेम्परेचर बताता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये आयर कंट्रोल टेम्परेचर है। जैसे जैसे टॉप कंट्रोल बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा या इंडिकेशन होता जाएगा। ये बॉटम कंट्रोल का टेम्परेचर बढ़ता है वो इंडिकेटर दिखाता है। अभी टॉप कंट्रोल टेम्परेचर 150 हो गया है और बॉटम कंट्रोल टेम्परेचर 180 पे आया है। आप देख सकते हैं
यहाँ प्लग्स है, आईसी जो BGIC है उसके अंदर बोल्ट जो है वो ड्राइव का वो फोल्डर हो रहा है। अभी टॉप पॉइंट का टेम्परेचर 180 हो चुका है और बॉटम का 235 हो गया है। कोई बोर्ड में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो या ड्राइव शोल्डर में बिजी हो तो इस तरह से रिबोलिंग करना ज़रूरी है। ज़्यादा अगर लैपटॉप में NVDIC में ड्राइव शोल्डर होता है या डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से रिबोलिंग करने से डिस्प्ले आ जाता है। अभी टॉप कंट्रोल का हीट 220 हुआ है और बॉटम कंट्रोल का हीट 265 हुआ है। BGIC का रिपोलिंग ड्राइव शोल्डर इस मशीन से अपने आप होता है। अभी 234 240 होने हो गया है टॉप पॉइंट कंट्रोलर और बॉटम कंट्रोल टेम्परेचर 265 हो चुका है। अभी मशीन अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। ये मशीन अभी अपने आप कट ऑफ होने के बाद कूलिंग चालू हो जाएगा और कूलिंग में से यहाँ ब्लोअर लगे हुए हैं कूलिंग के लिए, उससे आपका मदरबोर्ड ठंडा हो जाएगा। जैसे बोर्ड ठंडा हो जाएगा बोर्ड BGA मशीन से उतार के डिस्प्ले चेक कर ले, डिस्प्ले आ जाएगा। यदि ड्राई शोल्डर का प्रॉब्लम रहेगा तो बोर्ड में से ड्राई शोल्डर भी निकल जाएगा।